हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज पे। यदि आप सारी जानकारी हिंदी में रखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ इटास्पोर 200 कैप्सूल, जिसकी सारी संपूर्ण जानकारी हिंदी में देखेंगे। ये क्या काम में आती है, इसका क्या उपयोग है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, कौन सी कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग है, कितना पावर है और इसको कब लेना चाहिए। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इटास्पोर 200 mg जो कि इंटेंस फार्मा के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जो कि हर एक मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। अब चलो बात करते हैं इटास्पोर 200 mg के कंटेंट के बारे में। इसके अंदर कंटेंट रहता है इट्राकोनाजोल कैप्सूल 200 पावर, जो कि 10 कैप्सूल रहता है। और इस अब बात करते हैं इटास्पोर के प्राइस के बारे में। इटास्पोर कैप्सूल के 10 कैप्सूल का कितना प्राइस होता है? इसके 10 कैप्सूल का प्राइस 240 रुपये होता है, जो कि हर एक मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है। अब बात करते हैं इटास्पोर 200 mg को कब और किन किन स्थितियों में लेना चाहिए। इटास्पोर 200 mg को यदि आप दाद, खाज, खुजली, फंगल आदि से परेशान हो तो इस कैप्सूल का आप उपयोग कर सकते हैं। इटास्पोर 200 जो कि एक एंटी फंगल कैप्सूल है, जिसे हमारे शरीर में होने वाले बैक्टीरिया कवक के निर्माण को रोकता है। अब बात करते हैं इसके कैप्सूल के साइड इफेक्ट के बारे में। इटास्पोर 200 mg का साइड इफेक्ट सामान्यतः इतना देखने को नहीं मिलता है, और यदि देखने को मिलता भी है तो जैसे कि सर दर्द होना, बदन दर्द, चेहरे पे खुजली आना, पुंसी आना, पेट दर्द होना आदि इनके साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके डोज के बारे में बात करते हैं कि इस इटास्पोर 200 mg को कब लेना चाहिए। इटास्पोर 200 mg जो कि 200 पावर का है, इसको दिन में एक ही बार लेना चाहिए, और यदि 100 पावर का हो तो दिन में दो बार लेना चाहिए। ये सामान्य नहीं और डॉक्टर की सलाह के अनुसार इन कैप्सूल का उपयोग करना चाहिए। बात करते हैं कि यदि हम डोज भूल गए हो तो क्या करें। यदि आप डोज भूल गए हो तो जहाँ तक संभव हो वहाँ तक ले लें, और यदि अगले डोज का समय हो गया हो तो पहले वाले डोज को छोड़ दें और अगले डोज ले लें। और जब डोज लेते समय दो गोली दो साथ में ना लें, जितना डोज रहता है वो उतना ही रहे, उसका डोज को डबल ना करें, नहीं तो आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और इसका उपयोग आपको मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है कि यदि दाद, खाज, खुजली, फंगल हो तो इसमें उपयोग किया जाता है। एक एंटी फंगल कैप्सूल है, जो कि हर एक मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है, और ये बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ना ले। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा वीडियो आपका आसानी से पहुँच जाए।